इस वक्त मैं डियर पार्क के जंगल में हूं और हौज खास विलेज से जब आप इन पगडंडियों से आगे की तरफ दाखिल होंगे तो तकरीबन 100 से 500 मीटर दूर चलने पर आपको आ, लेफ्ट साइड में दाएं हाथ पर बाएं हाथ पर ये आपको एक ग्रेव दिखेगा और आरोप लग रहा है कि ये एक कब्रिस्तान है यहाँ पर एक शव को दफनाया गया है और लोकल काउंसिलर पूर्व काउंसिलर ने इस पर साफ़ तौर पर वीडियो भी वायरल की है ट्विटर पर भी ये वीडियो साझा किया है और उनका ये कहना है कि दरअसल ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और इस पर इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर खासकर ये ऐसी जगह है जो उन्होंने कहा है कि ये कब्रिस्तान की नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर शव को दफनाया गया है मेरा सोमनाथ भारती जी जो यहाँ से एम भी हैं और डी बोर्ड के मेम्बर हैं उस पद का दुरुपयोग करके उनके कुछ दो चार यहाँ चहेते बिल्डर लोग हैं जिन्होंने पुराने कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा किया हुआ है अब इन्होंने पीछे 10 तारीख को एक बाहर से एक बॉडी ला के पीछे आगे जंगल में उसको दफना दिया जाता है वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाता है कब्रिस्तान का और उसके बाद डीडीए से कहा जाता है इस ज़मीन को कब्रिस्तान के लिए अलॉट किया जाए हमारा ये कहना है कि भाई जब पुराना वहाँ पे ऑलरेडी कब्रिस्तान की जगह है या आप देखिए 2014 में ऑलरेडी वक्फ बोर्ड ने ये डीडीए इसको तहसीलदार खास को लेटर लिखा कि आप इस जो कब्रिस्तान की ज़मीन से कब्जा हटवाइए लैंड ग्रैबर्स को हटाइए और इसको पब्लिक यूज़ में लाने दीजिए उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और नया कब्रिस्तान आप अच्छे भले हरित क्षेत्र को खराब करके जिसमें पच्चीस लोग यहाँ रेजिडेंट्स घूमने आते हैं मॉर्निंग वॉकर्स घूमने 200 सौ एक्टेयर का यह रिजर्व फॉरेस्ट है जंगल है खूबसूरत पार्क है उसके बीच में ये कब्रिस्तान की जो डिमांड इन्होंने रखी है वो बिल्कुल गलत है ये नई जगह पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है और वहाँ ये बॉडी दफनाई जाती है हमारा कहना है जो पुराना ऑलरेडी कब्रिस्तान है जिस पे इनके लोगों द्वारा कब्जा कर दिया गया है बिल्डिंगें बना दी गई हैं सत्तर परसेंट में झुग्गियाँ डाल के वहाँ से किराया लिया जा रहा है आप उसको खाली करा के उसी को कब्रिस्तान क्यों नहीं यूज़ कर रहे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान है ये जो नई जगह है वो पुराने कब्रिस्तान से कितनी दूरी पर तीन सौ मीटर दूरी, दूरी पर पर क्या स्थिति है अभी वहां पर मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाया था ये आप देखिए बोर्ड के पीछे पूरा आपको हरा ही हरा दिखाई दे रहा है पूरा प्रॉपर जंगल है ये उसकी एंट्री पॉइंट पे ये बोर्ड लगा दिया जा रहा है ये कोई भी किसी भी जगह से कब्रिस्तान की जमीन नहीं है ये हम डिस्ट्रिक्ट पार्क की बैक साइड बोलते हैं इसको प्रॉपर रिजर्व फॉरेस्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ताजा जो मिट्टी है और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं ऊपर टहनिया रखी गई हैं मैं मेरी शादी को पाँच साल होने वाले हैं बट जब मेरी शादी होके आई थी तो ये लगा हुआ था यहाँ पाँच साल पहले ये जो ये जो बोर्ड लिखा हुआ है वो लगा हुआ है हाँ ये लगा हुआ था यहाँ पर अच्छा आप यहाँ पे कब से दफनाने का काम कब से चल रहा है वो मुझे नहीं पता इतना तो लेकिन ये बोर्ड मेरी शादी से पहले का है तो बगल में पीर बाबा की मजार भी है ये भी पहले की ही बनी हुई है अच्छा। हाँ जब हमें शादी नहीं हुई थी जबकि ही बनी हुई है अभी तक अंदर दाखिल हुए सिर्फ़ एक ऐसी कब्र मिली है अगर हम बात करें कि सैकड़ों में या बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह का यहाँ चीज़ें नहीं मिली हैं लेकिन इतना ज़रूर है कि आसपास जैसे ही आप इसके अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पर आपको मिलेगा जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा है कि जो बोर्ड लगा हुआ है हालाँकि उस बोर्ड पर एम आम आदमी पार्टी का जो नाम है वो मिटाया गया है यह बोर्ड पिछले काफ़ी समय से तकरीबन पाँच साल से ज्यादा का पुराना है जो लगा हुआ है ऐसे में अब यह एक का विवाद का विषय बन गया है कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह दिल्ली आज तक